यह है स्टोरियस। आज आपको मैं एक ऐसी पुरानी किताब मेडिटेशंस की बुक समरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक रोमन शासक मार्कस ऑरेलियस की डायरी में मिले स्टोइक विचारों पर बेस्ड है। मार्कस ऑरेलियस का पूरा नाम था सीजर मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस ऑगस्टस। 136 ईस्वी में सम्राट हैड्रियन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए हुए पुत्र लूसियस सीजर के नाम की घोषणा की और लूसियस की बेटी फैबिया की सगाई मार्कस से हो गई। जब लूसियस और हैड्रियन की मृत्यु हुई तो उसके बाद में वो सगाई भी टूट गई। अगला सम्राट हैड्रियन का ही गोद लिया हुआ बेटा एंटोनियस पायस बना, जिसने बेटों के रूप में मार्कस ऑरेलियस को और लूसियस सीजर के बेटे लूसियस वेरस को गोद लिया। मार्कस को रोम का सम्राट घोषित कर दिया गया। तब मार्कस के अनुरोध पर उनके दूसरे दत्तक भाई लूसियस वेरस को एम्परर बना दिया गया। मार्कस के शासनकाल को सीमांत युद्ध और प्लेग जैसी गंभीर बीमारी से भी सामना करना पड़ा। मार्कस ने अपने जीवन के अनुभव एक डायरी में लिखे जिन्हें हम मेडिटेशंस बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस सबसे फेमस स्टोइक हैं। स्टोइसिज्म हेलेनिस्टिक काल की मेन फिलोसफीज में से एक है। स्टोइसिज्म नाम एथेंस के अगोरा में भित्ति चित्रों से सजाए गए पोर्च स्टोआ पोइकल से लिया गया है। स्टोइक फिलोसोफी में ट्रेंड मार्कस ऑरेलियस हर रात आध्यात्मिक अभ्यास किया करते थे। 161 से 180 ईस्वी तक रोमन सम्राट रहे मार्कस मेडिटेशंस किताब में 12 चैप्टर्स का वर्णन करते हैं। दरअसल किताब में चैप्टर्स को बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से लिखा गया है। तो चलिए मेडिटेशंस बुक के चैप्टर 1 मतलब बुक 1 के बारे में हम बात करते हैं। मार्कस ऑरेलियस सेल्फ कंट्रोल, ट्रूथफुल, रिलीजियसनेस और हम्बलनेस जैसे गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए अपने ट्यूटर्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं। मार्कस को स्टोइसिज्म सिखाने के लिए उनके पिता एंटोनियस ने कई ट्यूटर्स को रखा हुआ था। पहले ट्यूटर ने मार्कस को स्पोर्ट्स कंपटीशन में ना फंसने की शिक्षा दी। डायोग्रेटस ने उन्हें फिलोसोफी की प्रैक्टिस करना और हार्ड लाइफस्टाइल जीने की शिक्षा दी। रस्टिकस ट्यूटर ने अपने कैरेक्टर को मजबूत करना और कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड रखना सिखाया। एपोलोनियस ने उन्हें लोगों पर ध्यान देना और चाहे कुछ भी हो जाए कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना सिखाया। सेक्सटस ने सिखाया कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है। सेवेरस नामक ट्यूटर ने रोम के इतिहास में जो महान दार्शनिक हुए जैसे थ्रेसिया, हेल्डिवियस और काटो का महत्व बताया। मार्कस के एडॉप्टेड फादर एंटोनियस ने उन्हें जनता की भलाई करना, अच्छे प्रश्न पूछना, मेटलिस्टिक चीजों से दूर रहना और अपने आप में घमंड ना करने की सलाह दी। किताब का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जिसे हम बुक 2 कहेंगे। किताब के इस भाग का टाइटल है ऑन द रिवर ग्रैन अमंग द क्वाडी। क्वाडी एक जर्मन जनजाति थी जो रोम के खिलाफ मार्कोमैनिक युद्धों में लड़ी थी। ग्रेन नदी तब स्लोवाकिया में थी और रोम की उत्तर दिशा में बहती थी। अपनी सेना के साथ वहां कैंप लगाते हुए मार्कस को विचार आया था कि लोगों से डील करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोगों के स्वभाव को याद रखना चाहिए। इसकी मदद से हारमोनी मतलब सद्भाव पैदा होगा। मार्कस के जीवन के अंतिम वर्षों में वो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। मार्कस का मानना था कि ऐसा करने से मृत्यु के समय भी इंसान शांति से शरीर त्याग सकता है। हालांकि सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अभ्यास से यह संभव है। मार्कस ने बुक नंबर 2 में एक एक करके बहुत से दार्शनिक विचार शेयर किए हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसे में अपने गुस्से पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मार्कस खुद से कहते हैं कि वो एक ओल्ड मैन है और उन्हें किताबों के अलावा कहीं और अपना ध्यान भटकाने से रोकना चाहिए और भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे नहीं डरना चाहिए। नेचर की हर चीज में भगवान है, ह्यूमंस भी उसी का हिस्सा हैं। जो भी नेचुरल चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करके ईश्वर का धन्यवाद मरते दम तक करना चाहिए। एक रोमन की तरह हर मिनट फोकस करें
और अपने काम को ऐसे करें कि जैसे वो आखिरी काम हो, उसमें बेस्ट देंगे तो सफल होंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, हम उससे दुखी नहीं होते, हम अपने दिमाग में चलने वाले विचारों से दुखी होते हैं। अगर भगवान है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने जीवन जीने के लिए हर चीज दी है। हर चीज का पैदा होना और खत्म होना तय है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। यह नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ तक कि बहुत फेमस लोग भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते। हम बहुत सारे तरीकों से खुद को नीचा दिखाते हैं, कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर, कभी खुद की भावनाओं में ही बहकर, कभी जो हो रहा हो उससे अनसेटिस्फाइड होकर, और बिना एम के कोई भी काम करते रहना भी लाइफ के लेवल को गिराता है। बुक 3, जिसे हम चैप्टर 3 कहेंगे, इस बुक का टाइटल है कार्नंटम, जो कि डेन्यूब रिवर पर बने एक फोर्ट का नाम था। मार्कस 172 से 173 ईस्वी में अपनी सेना के साथ इस किले पर तैनात थे। जब कोई भी अर्जेंसी हो, फिलोसोफी तब काम आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस समस्या में हमारा दिमाग कब तक लगा रहेगा। ऐसे में दर्शन शास्त्र के ज्ञान की जरूरत होती है। मार्कस कहते हैं, भले ही हम एक लंबा जीवन जिए, पर हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा दिमाग भी पूरे जीवन विचारशील रहेगा। इसीलिए जितना जल्दी हम दुनिया के विचारों को समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सिर्फ मृत्यु ही तेजी से हमारी तरफ नहीं आती, बल्कि दिमागी समझ का अंत भी तेजी से होता है। जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, वो प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं देख पाते। मार्कस कहते हैं कि प्रकृति की हर चीज में सुंदरता देखनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार रहना थॉट्स को चेक करने से ही आता है। जो ऐसे कर लेते हैं वो एक प्रीस्ट की तरह होते हैं, अपने अंदर की डिवाइन पावर से कनेक्टेड होते हैं। मन पर ध्यान लगाने से लाइफ के ड्रामे से बच सकते हैं। ऐसे लोग डेथ के बारे में सोच सोच कर टाइम खराब नहीं करते। इसे ही माइंड की रेशनल सिविक सिचुएशन माना जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी कुछ होता है उसका लॉजिकली और सही एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह इमरजेंसी में डॉक्टर अपने सर्जिकल टूल्स अपने पास रखता है, उसी तरह हमें फिलॉसफी को रखना चाहिए। लाइफ पेन और डिजायर से कहीं बढ़कर है। यहाँ तक कि बुरे लोग भी मार्गदर्शन के लिए माइंड का यूज करते हैं। अच्छे लोगों की यह पहचान होती है कि जो भी उनकी लाइफ में घटता है उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे अपने आप को झूठे दिलासे नहीं देते। चलिए अब बात करते हैं बुक नंबर 4 की, मतलब कि चैप्टर नंबर 4। मन इंसान का सबसे जरूरी गेटवे है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है। अगर मन की शरण में जाकर स्वयं को जान लिया जाए तो अपने लॉजिकल और रेशनल नेचर की नॉलेज हो सकती है। इसी नॉलेज को ऐसे लोगों को मरने से पहले दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। डेथ और लक ये भगवान के हाथ में है। लोग हमेशा चाहते हैं कि वो दूसरे देशों, पहाड़ों, समुद्र पर जाएं, पर ये बेवकूफी है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने भीतर दूर तक जाना। आत्मा सबसे पीसफुल प्लेस है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नए विचार देती रहती है। अपने अंदर जाने के बाद इंसान बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों के मिसबिहेवियर से परेशान हैं, तो समझिए कि रेशनल या लॉजिकल माइंड वाले लोग एक दूसरे की मदद के लिए हैं, और एंड में सभी को मर जाना है, तो बस चुप रहो। अगर आपको कोई परेशानी है तो ये एटम्स या किसी पावर की वजह से ही है। किसी भी तरह की अशांति अपने अंदर से ही आती है। नुकसान आपको नहीं, आप नुकसान को चुनते हैं। अगर आपका कैरेक्टर बर्बाद हो जाता है तो समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। फेमस होने की इच्छा करना एकदम बेकार है, क्योंकि जो लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखेंगे, एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। मरने के बाद डेड बॉडी खराब हो जाती है, इसी तरह सोल हवा में मिल जाती है। पीसफुल लाइफ के लिए चाहे कम काम करो, पर उसे बेहतर तरीके से करो।
मार्कस कहते हैं, हम जो बातें करते हैं उनमें से ज्यादातर बातें बेकार होती हैं। सभी युगों में लोगों ने एक ही चीज की है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, युद्ध करना, पार्टी करना, काम करना, प्रेम करना और शिकायत करना, और हर युग में वो नष्ट भी हो जाते हैं। वे लोग उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं जहां से आए थे। जो भी कुछ होता है वो अनफॉर्चुनेट नहीं है। एक ही सिचुएशन के लिए दो लोग अलग अलग रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुक 5 चैप्टर 5 की। ये बुक चीजों के अनुभव और अपने रेशनल माइंड से उन अनुभवों पर कैसे रिएक्ट किया जाए उसकी ट्रेनिंग के बारे में है। जब भी सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो तो अपने आप से कहें कि आपके पास आज शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आपको ब्लैंकेट में छिपने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है। अगर आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा जरूर करेंगे। अगर आप में किसी स्किल की कमी है तो उस स्किल को डेवलप करने पर भी काम करें। बहाना बनाना कोई रास्ता नहीं है। जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो इसे ऐसे ना देखें कि एक दिन वो इंसान भी आपकी हेल्प करेगा। भगवान को अगर याद करते हो तो मन से प्रार्थना करो, वरना ना करो। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नियति है। मार्कस के अनुसार हम सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए हैं। सक्सेस ना मिले तो डिसअपॉइंटेड ना हो, इंसान की तरह जश्न मनाएं और फिर से कोशिश करें। फिलोसॉफी को एक सूदिंग मरहम की तरह सोचें। दुनिया इतनी मिस्टीरियस है कि स्टोइक्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कुछ भी ऐसा ना करें जो स्वयं आपको और भगवान को एक्सेप्ट ना हो। अच्छा भाग्य हमारे कामों से बनता है। इसमें गुड कैरेक्टर, इंटेंशंस और एक्शंस आते हैं। भगवान का सम्मान करें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर अपने लिए भी सख्त रहें। जब लोग काम में अड़चन डालें और ऑब्स्टेकल बन जाएं, तो उस स्थिति में स्वयं को ढाल लें। ऑब्स्टेकल्स खुद रास्ता बन जाएंगे। चैप्टर 6 बुक नंबर 6। हम सभी के जीवन को एक सुपर पावर गवर्न करती है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोर्ट और फिलोसोफी दोनों स्टेप मदर और अपनी माँ के जैसे हैं। पहली माँ जिसे सम्मान देना है और दूसरी जिसके साथ रहना है। परसेप्शंस को तोड़ना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। जब हम चीजों से अटैच होने लगते हैं तो ये हमें यह देखने में मदद करता है कि वे वास्तव में पॉइंटलेस हैं। संसार परिवर्तनशील है। ह्यूमन लाइफ एक रिवर की तरह है। हम बस समय के साथ बहते रहते हैं। हर बिजनेस और आर्ट का एक गोल होता है। लाइफ भी वैसी ही है। अगर हम छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे तो जेलसी और फियर से भर जाएंगे। भगवान से नाराज होंगे और कभी शांत नहीं होंगे। केवल अपने मन को इम्पोर्टेंस देकर ही हम लाइफ से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जब रिंग में कुश्ती होती है तो पंच लगने पर सामने वाले को दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि वो एक प्रतियोगिता है। ऐसे ही लाइफ में दूसरों को उनके बिहेवियर के लिए क्षमा कर देना चाहिए। बस उन पर नजर रखनी चाहिए, पर नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, जैसे कि सिकंदर महान, वो भी ब्रह्मांड में समा गया। लोग अगर कुछ गलत कर रहे हों तो अपना आपा ना खोकर उन्हें वो बताएं जो सही है। छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट होना सीखो। नॉर्मल लाइफ में तनाव होना नॉर्मल बात है, बस उसे संतुलित रखें। लोगों को लेबल करने से बचना चाहिए। अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, सभी एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। बस कुछ उस पर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरों के अच्छे गुणों के बारे में बात करें। आपको किसी चीज का मुद्दा नहीं बनाना है। सुनने की शक्ति को विकसित करें। लोगों को बोलने का मौका दें। हमें नेचर के अकॉर्डिंग जीने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 7 बुक 7। किसी भी इंसान को इस बेस पर जज करो कि उनके विचार कैसे हैं। अगर कोई अहंकारी है तो वो समाज की कोई भलाई नहीं कर सकता। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें या तो अपना बेस्ट दें, नहीं तो किसी ऐसे इंसान को सौंप दें जो उसे बेहतर तरीके से कर सके। सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं है। हर चीज आपस में जुड़ी है। जो भी अभी दिख रहा है वो इस नेचर में ही विलीन हो जाएगा। चेंज से डरने की जरूरत नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है। दूसरे लोगों को गलती करने पर भी अगर आप उनका अच्छा ही सोचते हैं,
तो यह ह्यूमैनिटी है। आप वो करें जो आपको पसंद हो, हम्बल बने, बिना दिखावे के जीना ही असली जीना है। आपकी अपनी भलाई आपके हाथ में है, आपको कोई महान वैज्ञानिक विद्वान होने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे इंसान बने जो स्वतंत्रता चाहता है, विनम्र है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है। व्यक्ति को नर्तक की तरह नहीं, पहलवान की तरह चैलेंजेस का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, ये आपका काम नहीं है। इरेशनल थॉट्स मतलब तर्कहीन विचारों का विरोध करना जरूरी है। चैप्टर 8, बुक 8। मार्कस का यह मानना है कि उसे फिलॉसफी में मास्टरी नहीं है, पर इससे वो डिस्करेज नहीं थे। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एफर्ट करते रहना चाहिए, यही ह्यूमंस का काम है। यहाँ स्टोइक पॉइंट ऑफ व्यू की समरी दी गई है। जब कुछ घटित होता है तो ये एनालाइज करें कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब आप अपने मन को उस बदलाव के लिए तैयार कर सकते हैं। अलेक्जेंडर, सीजर और पोम्पी चिंता करने के अलावा कुछ नहीं जानते थे। वहीं डायोजनीज, सुकरात, हेराक्लिट्स को ज्ञान था, तो वैसा बनने का प्रयास करो। एक रेशनल माइंड के लिए प्रोग्रेस का मतलब है अपनी सोच पर कंट्रोल, निस्वार्थ भाव से काम करना और जहां कंट्रोल ना हो उसे एक्सेप्ट करना। लोगों में दोष निकालने का कोई फायदा नहीं। जीवन में तीन रिश्ते हैं, पहला शरीर से, दूसरा ईश्वर से और तीसरा आसपास के लोगों से। दुनिया में टूटी हुई चीजें दिखेंगी, पर असल में नेचर कुछ भी बर्बाद नहीं करती, सब उसी का पार्ट है। जब भी किसी से बात करें, फिर चाहे वो कोई भी हो, अपने शब्दों पर ध्यान दें। चैप्टर 9, बुक 9। भगवान ने ह्यूमंस को एक साथ काम करने और एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया है। नेचर के रिजल्ट्स को अच्छे या बुरे रूप में देखना गलत है। मृत्यु भी नेचर का ही हिस्सा है। मार्कस मृत्यु पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उनका युद्धों से लगातार सामना होता रहा। उन्हें स्वयं की मृत्यु की भी शंका थी। मार्कस के अनुसार मृत्यु का विरोध ना करें, पर ये प्राकृतिक ही होनी चाहिए। यहाँ लेखक किसी भी तरह से मृत्यु के लिए नहीं उकसा रहा है, बल्कि मृत्यु का अर्थ समझा रहा है। अगर भगवान हमारे प्रति पेशेंस रख सकते हैं, तो हमें भी दूसरों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। एक ही जीवन में बहुत तरह की मौतें होती हैं। बचपन या जवानी का अंत, यहाँ तक कि किसी भी कार्य का अंत, विचारों का अंत भी मृत्यु है। इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। जब हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, दुख तब होता है। जब कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करे, तो ये समझें कि उसकी सोल में क्या हो रहा है। कुछ भी अच्छा करने पर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। फियर डिजायर से दूर रहने के लिए प्रार्थना करें। जब आप किसी बुरे गुण वाले आदमी से मिलते हैं, तो ध्यान रखें, भगवान ने उसे बुरे गुणों के साथ संतुलन के लिए अच्छे गुण भी दिए हैं। याद रखें, उनका कुछ भी किया आपकी सोच को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चैप्टर 10, बुक 10। मार्कस के जीवन में चल रहे स्ट्रगल इस पार्ट में एकदम क्लियर हैं, क्योंकि वो अपने आप को शिकायत करने पर धिक्कारता है, तब वो स्वयं को मृत्यु की याद भी दिलाता है। मार्कस अपनी आत्मा से पूछता है कि क्या वो उस चीज के लिए तरसना बंद कर सकती है जो उसके पास अभी नहीं है, और जो अभी है उसी में संतुष्ट हो सकती है। चाहे कोई चीज सहने योग्य हो या ना हो, शिकायत करना बंद कर दें, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे या आपका मन उस चीज को सहने योग्य बना देगा। लाइफ एजम्पशंस नहीं है। रास्ता अगर साफ है तो उस पर चलें, नहीं तो कोई साफ रास्ता खोजें। सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात ना करें, अच्छा इंसान बने। चैप्टर 11, बुक 11। एक स्ट्रोंग आत्मा शरीर से अलग होने का निर्णय स्वयं लेती है। जब लोग नफरत की वजह से खुद को अपने ग्रुप से अलग कर लेते हैं, तो उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वो अपने आप को एक सभ्यता से अलग कर रहे हैं। अगर कोई आपसे नफरत करता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। जो लोग ऐसा करते हैं या कहते हैं कि मैं आपकी बराबरी कर रहा हूँ, दरअसल वो फेक हैं। गुस्सा करना कोई मर्दानगी नहीं है। एक आदमी को हम्बल होना श्रेष्ठ बनाता है। मार्कस इस पार्ट में बहुत से छोटे छोटे उदाहरण देते हैं, जैसे पाइथागोरस सुबह के तारों को देखने के लिए मोटिवेट करते थे, ये उनका रोज का नियम था। सुकरात कहते थे, अगर आप रेशनल हेल्दी माइंड चाहते हैं तो इस पर काम करें, और अगर आपके पास पहले से ही रेशनल माइंड है तो झगड़ना बंद करें। चैप्टर 12, बुक 12।
मेडिटेशन के इस आखिरी पार्ट में मार्कस के विचार कुछ ज्यादा सेल्फ एनालाइजेशन की तरफ मुड़ते हैं। उन्हें पता था कि अब वो मरने वाले हैं। मार्कस के उपदेशों से पता चलता है कि फिलोसोफी कोई एक बार की स्टडी नहीं है, इसे सीखने का प्रोसेस चलता रहता है। उनका कहना था, हम दूसरों से ज्यादा खुद से प्यार करते हैं पर दूसरों की राय की परवाह करते हैं। आपके पास दिमाग है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। आप किसी बुरे आदमी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यह नेचुरल है, बुरा बुरा काम ही करेगा, उस पर गुस्सा करना व्यर्थ है। मृत्यु में कोई अपमान नहीं है, समय सभी का आता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान है, तो उनसे कहें कि अपने चारों ओर देखें। मार्कस के ध्यान में नेचर और गॉड के बीच कोई अंतर नहीं है। मार्कस ने अपने जीवन के सर्कमस्टेंसेस को तरीके से जीने के लिए ईश्वर को श्रेय दिया। मेडिटेशन बुक की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने स्टोरियस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके कोई सजेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। आपको बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी दूसरी बहुत जरूरी किताब की बुक समरी लेकर। धन्यवाद।